अब वो जब कह रही है नहीं जानती पवन सिंह को, तो छोड़ दीजिए, वो तो चाहती है कि आप लोग सवाल करें, अपने मकसद में कामयाब हो गई। अरे पवन सिंह को उसकी माई भी जानती है, उसका बाप भी जानता होगा। पवन सिंह को कौन नहीं जानता भाई, पवन सिंह कौन है? मतलब मेरे जैसा शख्सियत, मेरे जैसा इंसान, पिछले 5 साल से पवन सिंह के साथ काम नहीं किया, आगे करूंगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन उसके बाद भी कह रहा हूं कि भाई पवन सिंह से बड़ा सिंगर तो कोई है ही नहीं, मुझे तो नहीं लगता भोजपुरी में कोई है। तो आपने हमारे इस वीडियो में देखा कि बतासा चाचा यानी कि मनोज टाइगर किस तरह से पवन सिंह की बड़ाई कर रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि पिछले 5 सालों से सही में बतासा चाचा काफ़ी प्रयास कर रहे थे कि पवन सिंह के साथ वो एकाध फिल्में कर लें। हाँ, ये बात और है कि वो पवन सिंह को एक एक्टर से अच्छा एक सिंगर मानते हैं, और ये भी मानते हैं कि पवन सिंह से बड़ा सिंगर भोजपुरी में कोई नहीं है। भोजपुरी में पवन सिंह को वैसे किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं, पवन सिंह वन मैन आर्मी है, और वो जहाँ खड़े हो जाते हैं हम कहेंगे कि महफिल वहीं से सज जाती है। लेकिन ऐसे अगर उनके सह कलाकारों का सपोर्ट उन्हें मिलता है तो वो उनके किरदार को प्लस बनाता है। वैसे ही हम आपको बता दें कि जिस तरह से भोजपुरी में निरहुआ के लिए आपने आज तक कभी किसी का निगेटिव कमेंट नहीं सुना होगा, सभी ने निरहुआ के बारे में सबसे अच्छी बातें कही हैं, और उसी तरह से अगर पवन सिंह के सह कलाकार भी उनके विषय में ये सारी बातें कहते हैं तो वो उनके कैरेक्टर को प्लस बनाता है। आपको फिर से उसी बयान पर छोड़े जाते हैं जो बतासा चाचा ने कहा, जो हमने वीडियो के शुरुआत में आपको सुनवाया। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। अब वो जब कह रही है नहीं जानती पवन सिंह को, तो छोड़ दीजिए, वो तो चाहती है कि आप लोग सवाल करें, अपने मकसद में कामयाब हो गई। अरे पवन सिंह को उसकी माई भी जानती है, उसका बाप भी जानता होगा। पवन सिंह को कौन नहीं जानता भाई, पवन सिंह कौन है? मतलब मेरे जैसा शख्सियत, मेरे जैसा इंसान, पिछले 5 साल से पवन सिंह के साथ काम नहीं किया, आगे करूंगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन उसके बाद भी कह रहा हूं कि भाई पवन सिंह से बड़ा सिंगर तो कोई है ही नहीं, मुझे तो नहीं लगता भोजपुरी में कोई है।